सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आज की क्लास के अंदर हम लोग टिश्यू कल्चर के तहत एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसको कि हमको हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सोमैटिक मतलब होता है कायिक, और एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का बनना। तो इस प्रकार का साइंस जहाँ पर कि कायिक कोशिकाओं के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है, उसको हम लोग जो है वो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। Somatic embryogenesis is an artificial process in which a plant or embryo is derived from a single somatic cell. No endosperm or seed coat is formed around a somatic embryo. Somatic embryos are also called embryoids. इस विधि के अंतर्गत पौधों की कई कोशिकाओं पर अंगों का संवर्धन माध्यम में भ्रूण का निर्माण होता है। ऐसे भ्रूण कायिक भ्रूण या भ्रूणाप कहलाते हैं। इस विधि में कायिक भ्रूण में भ्रूण कोष व बीज चोल निर्मित नहीं होता है। सोमैटिक एम्ब्रियोज डू नॉट हैव सीड कोट एंड एंडोस्पर्म। सोमैटिक एम्ब्रियोज बिहेव लाइक नॉर्मल एम्ब्रियोज एंड आर बायपोलर, आई रूट एंड शूट फॉर्मेशन अकर्स साइमल्टेनियसली। सोमैटिक एम्ब्रियोज आर इनकैप्सुलेटेड टू फॉर्म द आर्टिफिशियल सीड्स। कायिक भ्रूण युग्मन जीव भ्रूण की भांति द्विध्रुवीय होते हैं, तथा इसके अंकुरण पर जड़ व प्ररोह का निर्माण एक साथ होता है। कायिक भ्रूणों को संपुटित कर वृहत स्तर पर कृत्रिम बीज का निर्माण होता है। सोमैटिक एम्ब्रियोज आर फॉर्म फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, व्हाइल जाइगोटिक एम्ब्रियोज आर फॉर्म फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स। कायिक भ्रूण का निर्माण कायिक कोशिकाओं से होता है, और लैंगिक भ्रूण का निर्माण जनन कोशिकाओं से होता है। सो अगर कोई सोमैटिक सेल एम्ब्रियो का निर्माण कर रही है, तो उस प्रकार के एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अधीन रखते हैं। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस या प्रत्यक्ष भ्रूण जनन डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस को हम लोग अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अगर हमारे पास में एम्ब्रॉइड्स का निर्माण सीधा कर्तोत्तक पर या एक्स प्लांट पर होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि अगर हम पौधे के कोई भाग को मीडियम के ऊपर रखते हैं, और उस पौधे के भाग पर अगर हम लोग एम्ब्रियोज या भ्रूण का निर्माण कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस अप्रत्यक्ष भ्रूण जनन, इसके अंदर एक्स प्लांट को पहले मीडियम के अंदर रखकर हम लोग कैलस का निर्माण करते हैं, और इस कैलस के ऊपर फिर अगर भ्रूण का निर्माण या एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, तो हम उसको इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से हम जानते हैं। तो सोमैटिक एम्ब्रियोज दोनों प्रकार से बनते हैं, डायरेक्ट भी बनते हैं और इनडायरेक्ट भी बनते हैं। जैसा कि नीचे चित्र के अंदर विदित है, जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल एम्ब्रियोज की तरह होता है। चित्र के अंदर पहले एक सोमैटिक सेल है, उसने माइटोटिक सेल डिवीजन कर सेल क्लंप बनाया या कोशिकाओं का समूह बनाया। इन कोशिकाओं के समूह ने जो पहली स्टेज एम्ब्रियो की होती है, जिसको कि हम लोग ग्लोब्यूलर स्टेज कहते हैं, वो धारण करी। उसके बाद में हार्ट शेप्ड स्टेज आई, उसके बाद में टॉर्पीडो स्टेज आई, और उसके बाद में कॉटिलेडन स्टेज आई, और उसके बाद में हम लोग प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता हुआ देखते हैं। तो सोमैटिक एम्ब्रियोज जो डायकॉट्स के अंदर बनते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं चित्र के अंदर, ये बिल्कुल जो है नॉर्मल एम्ब्रियोज की तरह एक्ट करते हैं। इनके अंदर ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप, टॉर्पीडो और कॉटिलेडरी स्टेज, चारों स्टेजेस हमको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इफेक्ट करने वाले कारक हमारे पास में कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कारक हमारे पास में होता है जीनोटाइप ऑफ द एक्सप्लांट, कर्तोत्तक व उसका जीन प्ररूप। एक्सप्लांट जीनोटाइप हैज अ मार्क इन्फ्लुएंस ऑन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड इन मेनी केस इट मे डिटरमाइन वेदर और नॉट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस विल अकर। स्ट्रॉन्ग जीनोटाइपिक इफेक्ट हैव बीन शोन इन अल्फा अल्फा वीट मेज राइस एटसेट्रा। कर्तोत्तक व उसका जीन प्ररूप। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कर्तोत्तक के जीन प्ररूप पर निर्भर करता है। जीन प्ररूप का प्रभाव गेहूं, मक्का, अल्फा अल्फा आदि के अंदर देखा गया है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रोथ रेगुलेटर्स या वृद्धि नियामक, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास में वृद्धि नियामक है
वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो सोमैटो एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है, और ऑक्सिन का हम जो फॉर्म प्रयोग में लेते हैं वो हमारे पास में 2,4-D है। फर्स्टली द एक्सप्लांट फॉर्म कैलस इन द मीडियम कंटेनिंग 2,4-D। सबसे पहले जो एक्सप्लांट होता है वो मीडियम के अंदर हम डालते हैं, और इस मीडियम के अंदर 2,4-D होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से लेकर 1 mg/L तक रहता है। देन दिस कैलस इज ट्रांसफर टू द मीडिया हैविंग लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और नो ऑक्सीजन एट ऑल एंड एम्ब्रियोइड्स ऑफ फॉर्म। एक बार जब उसके बाद में हम इस कैलस को, जो कि प्रथम माध्यम पे बन रहा है जिसके के अंदर 2,4-D था, उसको हम ऐसे माध्यम के अंदर परिवर्तित करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है या ऑक्सीजन ना के बराबर होती है, और फिर हमको इसके अंदर एम्ब्रियोइड्स बनते हुए दिखाई देते हैं। दस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। जिबलिन इनहिबिट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जो जिबलिक एसिड होता है वो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पर विपरीत प्रभाव डालता है। सो ऑक्सीजन में मुख्यतः 2,4-D कायिक भ्रूण जनन के लिए प्रभावी है। सर्वप्रथम कर्तोत्तक और 2,4-D 0.5 से 1 mg/L वाले माध्यम में रखकर कैलस का निर्माण करता है, तथा इस कैलस से भ्रूणाभ बनाने के लिए इसे ऑक्सीजन की कम सांद्रता वाले या बिना ऑक्सीजन के मीडियम पर हम स्थानांतरित करते हैं, तब इसके अंदर सोमैटिक एम्ब्रियोस का निर्माण होता हुआ हमको दिखाई देता है। थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे पास में होता है रिड्यूस चारकोल, जो कि नाइट्रोजन का सॉरी रिड्यूस नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन का स्रोत है। रिड्यूस नाइट्रोजन इन NH4+ फॉर्म इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पर हम दो सॉल्ट प्रयोग में लेते हैं, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड या NH4NO3 एमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ जो रिड्यूस नाइट्रोजन है वो एमोनियम फॉर्म के अंदर हम प्रयोग में लेते हैं। माध्यम में अमोनियम तत्व सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए प्रभावी है। NH4Cl या NH4NO3 का प्रयोग नाइट्रोजन सोर्स के लिए किया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कारक होता है चारकोल। द मीडिया सप्लीमेंटेड विद चारकोल फैसिलिटेट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। एडिशन ऑफ चारकोल इन द मीडियम इज हेल्पफुल फॉर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस व्हेन ऑक्सीजन डिप्लीशन इन मीडियम फेल्स टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन की कुछ भी की कमी के कारण या ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने के बाद में भी हमको सोमैटिक एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर उस टाइम पर हम माध्यम के अंदर चारकोल मिला देते हैं, सो चारकोल जो होता है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को इनहांस करता है या हम उसको बढ़ाता है। संवर्धन माध्यम में चारकोल सोमैटिक एम्ब्रियोज जेनेसिस को प्रभावी करता है, तथा जबकि कम ऑक्सीजन माध्यम में भ्रूणाभ का निर्माण नहीं हो रहा है। सो कई बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस होते हुए भी अगर हमको एम्ब्रियॉइड्स बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं, तो उस केस के अंदर हम माध्यम में चारकोल डालते हैं। चारकोल एम्ब्रियॉइड्स के फॉर्मेशन को इनहांस करता है। ऑप्टिमम मीडियम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई पोटेशियम लेवल इन द मीडिया आर नेसेसरी फॉर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मास प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो इज आइडियल फॉर प्रोपोगेशन सिस्टम्स। बहुत सारे पौधों का निर्माण कायिक भ्रूण जनन के द्वारा हो सकता है, क्योंकि एक कायिक कोशिका एक पौधे का निर्माण करती है, तो हम जितनी कायिक कोशिका प्रयोग में लेंगे उतने भ्रूण बनते हुए हमको उसके ऊपर दिखाई देते हैं। सोमैटिक एम्ब्रियोज यूज टू फॉर्म आर्टिफिशियल सीड्स। कायिक भ्रूण का उपयोग कृत्रिम बीज बनाने के लिए किया जाता है। सोमैटिक सेल्स दे आर फ्री ऑफ वायरल एंड अदर पैथोजेंस। कायिक पौधे विषाणु व कीटाणु मुक्त होते हैं। सो कायिक पौध सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से भी हम पौधों का निर्माण करते हैं, और एक सोमैटिक सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जो है वो एक कंप्लीट प्लांटलेट का निर्माण कर सके। सो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, जो कि हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस